जो देख रहे हैं ये सामने रॉक प्लाजा है या फिर स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर है, इनमें दोनों सी चीज़ें हैं। आधे में कैंटीन है और फिर स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर में स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ है, तो वो भी देख लेते हैं। तो आगे बढ़ते हुए यहाँ पे इस तरह का ब्लॉक है और ये रास्ता AB2 के पीछे, हाँ AB2 से एंट्रेंस और एग्जिट वो सब होता है। और यहाँ पे थोड़ा गार्डन है, वो सब मेंटेन करके रखा है। फिर यहाँ पे यार बैठने लायक सी थोड़ी सी जगह है, तो शाम को यार काफ़ी ज़्यादा लोग आ जाते हैं बैठने के लिए और सही है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एंजॉय और वो सब भी आराम से कर सकते हो, चिल है, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फन होता है। और ये सामने यार ब्यूटीफुल सनराइज हो रहा है। तो ये रहा कैंटीन, अभी सुबह सुबह ओपन है पर थोड़े ही समय में ये ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे यार एक ये छोटा सा ये भी कैंटीन है, ये भी थोड़े समय के बाद ओपन हो जाएगा। और इसमें भी सब आइटम्स मिलते हैं, ये बेसिक से आइटम्स ब्रेकफास्ट के और फिर स्नैक्स और वो सब भी मिल जाता है। और यहाँ पे यह ओलिविया का छोटा सा सेंटर है, उसमें यह सब कुछ जनरल स्टॉक मिल जाएगा, सब कुछ यानी कि सब कुछ जनरल स्टॉक में है, जो भी आइटम अवेलेबल होगी वो मिल जाएगी, तो कोई भी परेशानी नहीं होगी। और बेसिक सा नीड होगा वो भी मिल जाएगा, और कुछ कुछ आइटम्स यहाँ पे नहीं मिल रही है तो वो आपको यह घर से ही लाने पड़ेगी। और ये रहा कैंटीन, काफ़ी बड़ा है और काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस भी है, तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आ सकते हैं। और सामने सब कुछ आइटम्स है वो सब मिल जाएगा। भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। तो ये देख सकते हो ये सारे लोग बैडमिंटन खेलने आ जाते हैं सुबह सुबह, और काफ़ी बढ़िया रहता है और काफ़ी चिल भी रहता है सुबह सुबह, तो आराम से खेल सकते हो, तो काफ़ी लोग आ जाते हैं खेलने के लिए। और भी काफ़ी चीज़ें स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हैं वो भी देखते हैं। तो यहाँ पे यार स्पोर्ट्स की तरफ देखते हैं और आ गए ग्राउंड पे। तो ग्राउंड पे सबसे पहला आता है वो बास्केटबॉल का कोर्ट। तो अभी सुबह सुबह कोई नहीं आया है, इस तरह का होता है और शाम को यह पूरा भरा होता है, तो इस तरह का होता है। फिर सामने आप देख सकते हो वॉलीबॉल का भी कोर्ट है, तो वॉलीबॉल में भी काफ़ी सारे टीम्स बना के यहाँ पे खेलते रहते हैं इस तरह से। यहाँ पे भी एक सामने एक वॉलीबॉल का कोर्ट है, ये बाहर है। और यहाँ पे फिर आगे मुँह करते हैं तो ये कॉमन सा प्लेग्राउंड है, प्लेग्राउंड ये काफ़ी बड़ा है तो कॉमन सा है, सब कुछ यहाँ पे खेल सकते हो। वहाँ पे देख सकते हो सामने की क्रिकेट खेल रहे हैं, और यहाँ पे इस तरफ कुछ कुछ यह फुटबॉल की भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इस हिसाब से यह खेलते रहते हैं। और काफ़ी बड़ा है, काफ़ी सारे यहाँ पे मैचेस और वो सब भी होते रहते हैं, तो इस तरह का यह प्लेग्राउंड है एक कंप्लीट प्लेग्राउंड, काफ़ी बड़ा सा है। और वहाँ पे जो दूर से आप देख रहे हो वो है लॉन टेनिस, और उसके सामने वॉलीबॉल का भी है छोटा सा प्लेग्राउंड, तो खेल सकते हैं आराम से। और ये बड़ा सा प्लेग्राउंड है।